जी, तो अब हम अगले व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। तो अगला व्याख्यान अक्षिकूट है, जो आँखों के रोग से संबंधित है। जो भिक्ख निष्क्रियता जो रोग है, जो होते हैं उसमें जो अक्षिकूट रोग होते हैं, आँखों से संबंधित जो रोग होते हैं, उस पर आज वैद्य जी बात करेंगे। अक्षिकूट एक लक्षण है, कुछ कुछ आँखों के लक्षण आते हैं, तो उन विषयों पर आज वैद्य जी बात करेंगे और हमें इस पर जानकारी देंगे। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि अक्षिकूट पर व्याख्यान आरंभ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी किडनी फेलियर का जो मतलब अक्षी रोग होता है, अक्षिकूट, अक्षिकूट यानी कि आंखों में दर्द होना, या तो आंखों में लालीपन आना, या तो आंखों से धीरे धीरे उसका कम दिखाई देना, इसको मतलब अक्षिकूट कहा गया है। ये लक्षण होता है। तो इसके लिए मतलब केवल कुछ कषाय कल्प मतलब बताया गया है आयुर्वेद में, दूसरे कोई औषधि मतलब नहीं बताया गया किडनी फेलियर के रोगी में। ऐसे तो आंखों के रोगी के लिए मतलब बहुत सारा औषधि है, परंतु जब किडनी फेलियर हो जाता है तो इसके लिए अधिक मात्रा में औषधि का वर्णन नहीं किया गया। इसके लिए जो जो औषधि बताया गया है वो उन्हीं औषधों को मैं आप लोगों के सामने उपस्थापना करता हूँ। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि महावासादि क्वाथम, ये महावासादि क्वाथम का मतलब तब प्रयोग करना चाहिए जब उसके मतलब आंखों का मतलब दर्द भी हो और आंखों में खुजली होने लगे। तो ये मतलब जब लक्षण दिखाई देने लगे तो महावासादि क्वाथम का मतलब प्रयोग करना चाहिए। ये जितने सारे मैं आपको कषाय कल्प मतलब बताऊंगा वो सब मतलब कैसे लेना है, तो सब में मतलब उसमें से लगभग 25 ग्राम की मात्रा में आपको काढ़ा लेना है। काढ़ा मतलब सूखा द्रव्य लेना है, मतलब उसी काढ़ा का यानी कि कषाय का, और उसको 2 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लेना है, और ठंडा होने के बाद में 1 चम्मच मधु मिला करके उसको पिलाने के लिए देना है, ये रोगी को पीने के लिए देना है। और ऐसा दिन में 3 बार ऐसा मतलब देना है, जब तक मतलब उसके जो आंखों का मतलब जो समस्या ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको देते रहना है, यानी कि 15 दिन या 20 दिन, महीना ऐसा 40 दिन, 1.5 महीना तक दे सकते हैं, और कम से कम 40 दिन तो देना ही देना है, क्योंकि 40 दिन में वो पूरा ठीक हो जाते हैं आंख, इसके लिए आपको देना ही देना है। तो सबसे पहले महावासादि क्वाथम है, तो इसको मतलब प्रयोग करते हैं तो भी मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यष्टादि क्वाथ है, और मैं जितने सारे क्वाथ मतलब जो कषाय का नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब ये मतलब सारे मतलब मिला करके देना, ऐसा नहीं है। मतलब इतने सारे क्वाथ कषाय का नाम लेने का अभिप्राय ये है कि आपके मतलब पास मालूम है कि मान लीजिए कि मतलब आपके पास ये औषधि नहीं है, वो औषधि नहीं है, तो इनमें से कोई तो एक औषधि आपके पास उपलब्ध होगा, तो जो औषधि उपलब्ध होगा वो औषधि आप इसका प्रयोग करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले महावासादि क्वाथम है, दूसरी दूसरे औषधि है यष्ट्यादि क्वाथम कषाय है, तीसरा है यष्ट्याद्य च्योतनम कषायम है, इसका भी मतलब जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है बचादि कषायम, फिर एक औषधि है बचादि काढ़ा, और एक औषधि है बासकादि काढ़ा, दूसरा है बासकादि कषायम। तो ये सब मतलब उसको मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है बिल्लादि चोतनम कषायम, फिर एक औषधि बिभीतकादि कषायम, पटलादि कषायम, पंचमूलाद्य चोतनम कषायम, नागराद्य चोतनम कषायम, धातृफल रसादि सेचनम कषायम, द्राक्षा चोतनम कषायम, दार्भ्याद्य चोतनम कषायम, दार्वश्चिक चोतनम कषायम, फिर एक औषधि पटलादि गण कषायम, फिर और एक औषधि है प्रपौंडरी का अध्यस्त चोतनम कषायम, फिर एक और औषधि है जिसका नाम है गुड़च्यादि कषायम, फिर चित्रकादि कषायम, त्रिफलादि कषायम, त्रिफलादि काढ़ा, त्रिफला काढ़ा, त्रिफला कषायम, त्रिफलादि विरचनियम कषायम, फिर एक औषधि है जिसका नाम है गोरचनादि कषायम, फिर औषधि है कि जीरक खंड कषायम, फिर त्रिफला पाक कषायम, फिर एक औषधि है श्यामादि कषायम, श्रेष्ठादि कषायम, फिर करंज बीजादि कषायम, नेत्र शुक्र नाशक कषायम, फिर ऐसा कहा गया कि अजित कषायम, कृष्णादि कषायम, अमृतादि कषायम। तो इतने सारे मतलब जो कषाय मतलब बताया गया है आयुर्वेद ग्रंथों में, आप इनमें से कोई भी एक कषाय का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको मतलब निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलना ही मिलना है, इसमें मतलब ध्यान देना है। आप मतलब मान लीजिए कि आपने कषाय का प्रयोग किया, यदि मतलब आपको ऐसा है कि मतलब 7 दिन तक आपने प्रयोग किया परिणाम नहीं मिला, तो उसमें मतलब धैर्य धारण करें, क्योंकि कभी कभी रोग गंभीर होता है तो समय रिजल्ट परिणाम मिलने में भी समय लगता है, और हो सकता है कि आपका मतलब जो क्योंकि किडनी फेलियर से आपका आंख का समस्या संबंध रहता है, इसके लिए ये जो औषधि है ये किडनी को भी बल देता है, इतने सारे औषधि, और आपको मतलब आंख को भी ठीक धीरे धीरे ठीक करने लगता है, इसके लिए हो सकता है कि समय लग सकता है, तो आप मतलब धैर्य के साथ में विश्वास के साथ में इसको प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। और इसके लिए मतलब ऐसा कहा है
कि गुलाब जो अर्क होता है, जिसको गुलाब जल के नाम से प्रसिद्ध है, इसको एक एक घंटे में एक एक बूंद दोनों आंखों में आपको ढालना ही ढालना है। मतलब ये किडनी फेलियर की मतलब अक्षय कूट में ऐसा मतलब कहा गया। इसके लिए आप मतलब गुलाब अर्क आपको ढालते ही रहना है तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि गुलाब अर्क यदि असली वाला न मिले तो ऐसा कहा गया है सारंगधर संहिता में और भेषज रत्नावली में कहा गया है कि आपको अपने आंखों में एक एक बूंद मधु डालना है। यदि मतलब अच्छा वाला मतलब मधु मिले तो मधु के विषय में सोसो संहिता ने मतलब कहा है कि जो शोद्र रस है वो डालने के लिए कहा है। मतलब मधु ऐसा सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है कि मधु जो है वो 8 प्रकार का होता है, तो उसमें से जो शोद्र रस है वो बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए किडनी फेलियर के रोगी को ये ढालना चाहिए। अभी आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न होता होगा कि 8 प्रकार का मधु है तो इसके लिए मतलब आपके मन में प्रश्न पूछने के लिए मतलब लालयित होंगे, परंतु अभी मतलब धैर्य धारण करें। अभी 8 प्रकार का मधु के विषय में हम लगभग 2-3 महीने के बाद में जब मधु का समय आएगा तो उस समय हम चर्चा करेंगे कि कौन सा मधु किस रोगों में क्या काम करता है और कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए अभी मैं क्षमा चाहता हूँ, उसके विषय में चर्चा नहीं कर सकते। तो ये अक्षय कूट के विषय में हो गया वंदे मातरम। अभी हमारा जो तीसरा मतलब है रह गया जो कि मतलब मूर्छा के मतलब विषय में, उसके विषय में अभी चर्चा करेंगे। दीपक भैया दीपक जी सुन पा रहे हैं?